मैं तुहानूं दसदा हाँ कि NSA एक्ट है कि जेकर कोई सुरक्षा कर्मचारियों के नाल किसी भी तरह का दुरव्यवहार करता जां उन्हां दी सरकारी ड्यूटी दे विच विघन पाउंदा उस दे उपर NSA एक्ट लग जांदा है। इसनूं इंग्लिश दे विच नैशनल सिक्योरिटी एक्ट ते पंजाबी दे विच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ते रसूका भी कहा जांदा है। अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं इस दे बारे पूरी जानकारी दूंगा, सो जुड़े रहो मेरे नाल। मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जोर टीवी। ये कानून लागू होया सीगा जी 23 सितंबर 1980 नूं इंदिरा गांधी दी सरकार दे टाइम। ये दूजे सारे कानूनां तों किवें अलग है हुण मैं तुहानूं इस दे बारे दसदा हाँ। ये एक्ट जिस दे उपर भी लग जांदा है 12 महीने तक वह इंसान नूं जमानत नहीं मिल सकती ते 10 दिनां तक पुलिस उस इंसान नूं सीधा अपनी कस्टडी दे विच रख सकती है। ते जिस इंसान दे उपर ये एक्ट लग जांदा है जाने कि NSA पुलिस उस नूं डायरैक्ट 12 महीने तक जेल विच भी भेज सकती है। इस एक्ट नूं केंद्र सरकार भी किसी दे उपर लगा सकती है, राज सरकार भी किसी दे उपर लगा सकती है, पुलिस प्रशासन भी किसी दे उपर ये एक्ट नूं लगा सकता है, ते DM जा के ये DC भी ये एक्ट नूं किसी दे उपर लगा सकता है। हुण तुहानूं दसदे हां जी ये एक्ट इन्ना ज्यादा खतरनाक ते अलग क्यों है। संविधान दे आर्टिकल 22 दे अनुच्छेद 1 दे अनुसार जेकर किसी भी इंसान दे उपर किसी भी तरह दा कोई केस हुंदा है तां उस नूं पूरा हक हुंदा है अपने लिए वकील रखण दा। ते उह वकील उस दे लई जा के कोर्ट दे विच बहस करदा है ते उस नूं जमानत तक दवा सकदा है। पर इत्थे ये दसना बहुत जरूरी है कि जिस इंसान दे उपर NSA लग जांदा है उस नूं कोई भी अजिहा अधिकार नहीं मिलदा। CRP दे सैक्शन 50 दे अनुसार हर किसी नूं अधिकार है कि उह कोर्ट दे विच अपना केस भी लड़ सकता है ते अपने वकील नूं खड़ा करके अपने लिए जमानत भी लगवा सकता है। पर जिस इंसान की NSA के अधीन गिरफ्तारी होंदी है वह किसी भी तरह के नाल कोई भी अपना वकील नहीं खड़ा कर सकता ते वह अपनी जमानत भी नहीं ले सकता। घट्टो घट 12 महीने तक तो उस नूं किसी भी हालत के विच जमानत नहीं मिलेगी जिस के उपर NSA एक्ट लग जाएगा। इस तो तुसीं आप देख सकते हो कि यह कानून कितना खतरनाक है। जिस के उपर भी यह लग गया 12 महीने तो उसके जेल के विच पक्के ने। यह इंसान किसी भी तरह के नाल कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही अपना वकील खड़ा कर सकता है ते ना ही अपने लिए कोर्ट दे विच केस लड़ सकता है। जिस इंसान दे उपर NSA एक्ट लग जांदा है उस दे कोल सूचना दा अधिकार भी नहीं रहिंदा, जाने कि ओह इंसान सरकार नूं इह भी नहीं पुछ सकदा कि मैनूं किहड़े सबूतां दे आधार ते तुसीं गिरफ्तार कीता है जां तुहाडे कोल किहड़े सबूत ने मेरे खिलाफ। इत्थे सरकार नूं इह एक्ट इन्नी पावर दिंदा है कि उस इंसान दे खिलाफ जिन्ने भी सबूत ने सरकार चाहे ओह किसी नूं भी ना दिखावे तां भी उहनां दे उपर कोई एक्शन नहीं आवेगा। इही कारण करके जल्दी किसी दे उपर इह कानून नूं नहीं लगाया जांदा। जदों कोई देश दे कानून नूं तोड़दा है, देश विरोधी गतिविधियां दे विच शामिल हुंदा है जां देश विरोधी कोई कम्म करदा है उस टाइम ही उसके उपर एक कानून लगाया जाता है। तो यह जी NSA के बारे पूरी जानकारी। तुहानू साडी वीडियो कितना लगी कमेंट करके जरूर दसना, तो साडे YouTube के चैनल जोर टीवी जरूर सबसक्राइब करना। धन्यवाद।